खतरनाक वाले भाई ये देखिए। ओहो दरगाह मुबारक के आस्तान शरीफ का जो गेट है उसके पास में जो मस्जिद मुबारक है, जब आप अजमेर शरीफ की सरजमी पर तशरीफ लाए आप तो इसी मस्जिद में, यानी ये बहुत अहम मस्जिद है दरगाह मुबारक। अब ओले गिर रहा भाई, लग रही है ओलों की कसम से, ये देख पैरों पे लग रही है। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है 8वें रमजान मुबारक में। इफ्तारी की प्लेटें बन गई है हमारी, और ना आज लेट हो गया इफ्तारी बनाना। हेलो गाइस, वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जाएंगे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक में। आपकी दरगाह मुबारक के अंदर 5 मस्जिद है अलग अलग, उन 5 मस्जिदों का अलग अलग वक्त है जुम्मे की नमाज का। तो हम वहाँ पे जाएंगे, आपको मस्जिद में ये चीज दिखाऊंगा कि मस्जिदें कहाँ कहाँ है दरगाह मुबारक में, और उनका नाम क्या है, और वहाँ पे जुम्मे की नमाज किस किस वक्त होती है। और साथ ही साथ ये चीज भी दिखाऊंगा कि आज हमारे अजमेर शरीफ में बहुत खूबसूरत बरसात हुई थी, ओले गिरे थे उस बरसात के अंदर, माशाल्लाह पूरी छत भर गई थी हमारी, और बहुत ही खूबसूरत मंजर और बहुत ही खूबसूरत रौनक हो रही थी बरसात मुबारक की। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीज दिखाऊंगा, मस्जिदों के बारे में बताऊंगा, और जो बरसात हुई थी ओलों की वो चीज भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरे जरूर बने रहेगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये सबसे पुराना वजू खाना है दरगाह मुबारक का, बड़ी मस्जिद है सामने जहाँ पे हमने जुम्मे की नमाज पढ़ी। तो मैं इस आपको बताऊंगा 5 मस्जिदों के नाम, वो 5 मस्जिदें कहाँ कहाँ है दरगाह मुबारक। ये शाहजाही मस्जिद है, ठीक है, जहाँ पे हमने जुम्मे की नमाज पढ़ी है दरगाह मुबारक के सामने ही है। एक और मस्जिद मैं आपको बताता हूँ, दरगाह मुबारक के आस्तान शरीफ का जो गेट है उसके पास में जो मस्जिद मुबारक है, ये संदली मस्जिद है माशाल्लाह। ये देखिए ये संदली मस्जिद है, ये अंदर से इसी मस्जिद यू है, पर यह है संदली मस्जिद। एक और मस्जिद मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इसी मस्जिद के नज़दीक है, और वो बहुत ज़्यादा अहम मस्जिद है मेहमानों के लिए माशाल्लाह। ये देखिए वो सामने आस्तान शरीफ का गेट है, ये जो बाहर निकलने का रास्ता और एक जाने का रास्ता है, इसके पास में एक और मस्जिद है, ये औलियाए मस्जिद के थे इसको। ये मस्जिद सबसे अहम मस्जिद है मेहमानों के लिए भी और सबके लिए। जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मदीना शरीफ से हुक्म मिला अजमेर शरीफ आने का, तब जब आप अजमेर शरीफ की सरजमी पर तशरीफ लाए आप तो इसी मस्जिद में, यानी कि इसी जगह पर आपने 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ी थी माशाल्लाह। जो भी मेहमान यहाँ पर दरगाह मुबारक में आता है, अपनी मंजिल पर मुकाम हो जाता है, तब वो यहाँ पर 2 रकात शुक्राने की नमाज़ ज़रूर पढ़ता है माशाल्लाह। ये बहुत अहम मस्जिद है दरगाह मुबारक के। अब मैं आपको 2 मस्जिदें और बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। ये देखिए आप जैसे बुलंदरवाज के इधर आ जाएंगे मेन चौक पे, तो ये है लंगर खाने की मस्जिद, ठीक है, ये लंगर खाना मस्जिद है जो कि लंगर खाने के ऊपर ही स्थित है माशाल्लाह। ये 4थी मस्जिद मैंने आपको बता दी है, और ये बुलंद दरवाजे के काफ़ी नज़दीक है, जो बड़ी डेक छोटी डेक होती है उसी के पास में लंगर खाना, उसी के ऊपर बनी हुई है लंगर खाना मस्जिद। हम आपको एक और आखिरी और 5वीं मस्जिद बता देता हूँ कौन सी है। जैसे आप दरगाह मुबारक के अंदर एंटर लोगे या फिर बाहर की तरफ जाओगे, अगर दरगाह मुबारक के अंदर आ रहे हो तो सीधा हाथ पे है मस्जिद, और अगर दरगाह मुबारक के बाहर जा रहे हो तो उल्टा हाथ पे। ये जो अभी यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ अदा होकर पब्लिक निकल रही है, ये है अकबरी मस्जिद माशाल्लाह। ये अकबर ने बनवाई थी, अकबर ने तामीर करवाई थी मस्जिद, और जो शाहजहाँ मस्जिद और शाहजहाँ ने बनाई थी माशाल्लाह। ये 5वीं मस्जिद है यहाँ पर, जो अभी अभी जुम्मे की नमाज होकर सब जने फारिग होकर निकले यहाँ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए ओए ओले गिर रहे हैं, ओले बरसात आने स्टार्ट हो चुकी है और ओले गिर रहे, देखिए माशाल्लाह ओले गिरना स्टार्ट हो चुके हैं। पूरे तेरी कितने खतरनाक ओले गिर रहे, पूरे ये देखिए ओले गिर रहे खतरनाक वाले भाई, ये देखिए ओहो ओले गिर रहे ऊपर से आसमान से। ओ भाई ये देखिए कितना मौसम है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है 8वें रमजान मुबारक में। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत बरस रही है ये आसमान से 8वें रमजान के साथ साथ में जुम्मे मुबारक भी है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। और ये देखिए ओ भाई लग रही है सर पे लग रही है, कितनी खतरनाक ओले गिर रहे यार, पैर में कितने ठंडे लग रहे हैं पैर के अंदर। ओ ये देख अभी लगी मेरा मोबाइल पे, ये देखिए बरसात स्टार्ट हो चुकी है और माशाल्लाह ये देखो भाई ओले गिर रहे खतरनाक वाले। ओहो माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह, अब ओले गिर रहे भाई, लग रही है ओलों की कसम से, ये देख पैरों पे लग रही है, और इतने ठंडे बर्फ हो रहे, बहुत ज्यादा ठंडे माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत बरसती जा रही है 8वें रमजान के मौके पे। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह। और ये देखो पीछे का मंजर कुछ इस तरीके का हो रहा है, पूरा ओए हो पूरा ढक गया और लग रही है भाई मोबाइल के ऊपर गिर रहे। ये देखिए पूरे में सर पे लग रही है। ये देखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है रोजगारों के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ हाँ सुकून तसल्ली रोजेदारों के लिए अल्लाह ने भेजी है कि जाओ मेरे रोजेदारों को सुकून दो तसल्ली दो सब्र एहतराम दो कि वो रोजा रख सके। माशाल्लाह ये देखो सुभान अल्लाह, रोजा है नहीं तो खाकर देखते ही, पर क्या करे रोजे मुबारक चल रहा है हमारा। और अब तो ठंड लगने लग गया यार, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है अब तो। हाँ 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 माशाल्लाह, कितने सारे बर्फ ही बर्फ हो गए अब तो भाई, ठंड लग रही है। चलिए नीचे जा रहे हम। ये देखिए सिद्दीक के आगे गिर रहे ओले, दमर दमर दमर। अच्छा वो सही वक्त पे आ गए भाई नीचे, अब तो मोटे मोटे ओले गिर रहे देखो, सही वक्त पे आ गए नीचे, नहीं तो भाई खतरनाक वाली पड़ती। ये देखो हाँ बहुत ज्यादा मोटे ओले यार, अच्छा सही टाइम पे आ गए नीचे। ये देखो सिद्दी से कैसे आ रहे, नहीं तो पड़ते खतरनाक वाले अपने तो। माशाल्लाह कितना खूबसूरत रौनक हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत देखो मौसम भाई। अब तो और भी ज्यादा मोटे ओले गिर रहे हैं, तो ये देखो और भी ज्यादा मोटे ओले गिर रहे हैं। ओ भाई ये देखो कुछ ज्यादा बड़े ओले नहीं गिर रहे, पूरा आंगन भर गया हमारा, तो सोचो छत पे क्या हालत हो रही होगी। कुछ ज्यादा मोटे ओले गिर रहे हैं यार अब तो। ये देखो कैसे आ रहे ऊपर से टंकी से बिड़ बिड़ के, ये देखो नीचे कैसे गिर रहे, धमादम धमादम धमादम। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिलहाल कपड़े बदल लेते हैं भाई और फिर आराम करेंगे। अब तो थोड़ी देर नहा लिए, मजे आ गए, ठंडे ठंडे पानी, ठंडे ठंडे पानी खतरनाक। इफ्तारी की प्लेटें बन गई है हमारी, और ना आज लेट हो गए इफ्तारी बनाने, बहुत ज्यादा लेट हो गया, और रोजा भी खोल लिया हमने, इतना ज्यादा लेट हो गया कि इफ्तारी बनते बनते के टाइम में ही अजान हो गई। तो अभी मेरी बहन वहाँ पे छोले पापड़ तल रही है, और ना क्या नाम है अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी रहेगी तलना, तो अभी रोजा खोलने के लिए हाल फिलहाल ये लेकर आए भुज्जे और तरबूज और फिर खजूर, बस और रोजा खुल गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोजा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन निकला, और ज्यादा खास रौनक तो बरसात ने कर दी थी। रोजे मुबारक में जब बरसात आई माशाल्लाह, इतना खूबसूरत मंजर, इतना खूबसूरत रौनक हो गई थी बरसात के बाद में। और फिर मैं बरसात में नहाया भी, और नहाने के बाद में नींद इतनी बढ़िया आई, फिर डायरेक्ट असर के टाइम में नींद खुली थी। पर ये है कि मैंने आपको बताया कि इफ्तार के वक्त बहुत ज्यादा लेट हो गए थे हम लोग, पर फिर भी हमने इफ्तारी करी माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा रोजा मुबारक निकला आज का, और अब आपसे मुलाकात करेंगे नवे रोजे पे, नवी सहरी पे। ठीक है, जब तक के लिए टाटा और अल्लाह हाफिज़ गाइस, आपके भाई को सपोर्ट बनाए जरूर।